मगर मालाएं पहनाने से पेट नहीं भरता मोदी जी। तो हर फीके मन रहे, फीके मन रहे जी, 8,000 सैलरी देते हैं तभी फीके मन। ऐसे लोग जो ऐसे दबंग यहाँ पे जो ठेकेदार है वो मानिए कि नगर पालिका में ब्लैक लिस्ट है, ये इतिहास है, देख लीजिए। बागवानी में जो कार्यरत है अपनी महिलाएं हैं ज्यादातर, उनमें उनका क्या है कि अब एक ठेकेदार आया है अभी नया, उसने अटल पार्क में 14 कर्मचारी साथी काम कर रहे थे, उनको आते ही हटा दिया, जबकि उन कर्मचारियों को 10-10 साल हो गए काम करते को, और जबकि सरकार की पॉलिसी भी है कि अभी कोई भी ठेकेदार बेसिक बदल जाओ, लेबर जो काम कर रही है वो लेबर वही रहेगी। नमस्कार, मैं रविंदर कुमार और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय करनाल के अंदर मौजूद है और HSVP के जो सफाई कर्मचारी है वो लगातार जो है प्रदर्शन करने पर मजबूर होते हैं, पूरा साल जो है प्रदर्शन करते हैं, और तीसरी बार जो है भाजपा की सरकार हरियाणा में बन जाती है फिर भी जो है प्रदर्शन जो है जारी है। इस समय बातचीत करेंगे, लगातार देखा जाता है कि जो CM सिटी को साफ सुथरा रखते थे, जो करनाल सिटी को साफ सुथरा रखते थे, वो लगातार पूरा साल जो है प्रदर्शन करने पर मजबूर रहते हैं। आखिर क्या कुछ कारण है, क्या कुछ मांगे है, एक बारी बातचीत करते हैं। जी सर, क्या कारण है, किस लिए आज फिर प्रदर्शन किया जा रहा है? देखियो, ये कच्चे सफाई कर्मचारी जो सेक्टर को साफ करने का जो ये कार्य करते हैं, ये इनकी लगातार जब से ये ठेकेदार कुणाल मदान आया है तब से इनकी हर महीने ही मान लें कौन कोई परेशानी खड़ी कर रहे हैं। लगातार इनकी पहले 2-2, 3-3, 4-4 महीने में सैलरी दी जाती थी, वो हमने नारेबाजी लगा लोगों का, तब जा करके अभी 1.5-2 महीने में सैलरी देता है, और इनका EPF और ESI का पैसा शुरू से आज तक इनका प्रॉपर तरीके से खाते में जमा नहीं है, जिसके बारे में हमने पीछे DC साहब को भी ज्ञापन दिया था, प्रदर्शन भी किए थे 14 दिन के, हमने यहाँ नारेबाजी भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी ठेकेदार अब तक भी इनका प्रॉपर तरीके से EPF और ESI का पैसा नहीं डाल रहा है। ESI कार्ड इनके अब तक नहीं बने हैं, किसी भी कर्मचारी के साथ में कोई घटना घट जाती है, चोट काट लग जाती है, तो उसका ये इलाज अपने महंगे हॉस्पिटलों में करवाने को मजबूर है, जबकि सरकार द्वारा जारी मतलब जो सुविधा है ESI की, जो कार्ड बनने चाहिए जिससे कि इनका फ्री में इलाज हो सके। कहने की बात यह है कि इस ठेकेदार द्वारा शुरू से परेशान किया जा रहा है, और दूसरा अभी इनके इस महीने की सैलरी में 1,250-1,250 रुपए सैलरी में से काट दिए हैं। पूछ रहे हैं भाई किसी लिए काटे हैं, लोग बोले 2 दिन आए थे यहाँ पे EPF ESI के लिए, अगर 2 घंटे के लिए यहाँ गए तो इनकी सैलरी को 1,250 रुपए सैलरी के काट दिए, और इनकी 5 साल से कोई सैलरी नहीं बढ़ी है, जबकि सरकार कह रही है कि न्यूनतम वेतन मान कम से कम 18,000 रुपए तो हो, इन सफाई कर्मचारियों को 12,000 रुपए मात्र सैलरी दी जाती है, 12,000 रुपए के हिसाब से इनका EPF काटा जाता है, और कई साल से इनकी सैलरी नहीं बढ़ी। दूसरा, बागवानी में जो कार्यरत है अपनी महिलाएं हैं ज्यादातर, उनमें उनका क्या है कि अब एक ठेकेदार आया है अभी नया, उसने अटल पार्क में 14 कर्मचारी साथी काम कर रहे थे, उनको आते ही हटा दिया, जबकि उन कर्मचारियों को 10-10 साल हो गए काम करते को, और जबकि सरकार की पॉलिसी भी है कि अभी कोई भी ठेकेदार बेसिक बदल जाओ, लेबर जो काम कर रही है वो लेबर वही रहेगी, ये सरकार की चिट्ठी भी है। इस बारे हम बागवानी SDO को मिले हैं कि जी इसे लेबर हटा दिया है, तो उसके बावजूद भी वो लेबर अब तक लगाई नहीं गई, नई लेबर को ठेकेदार ने रख लिया। ठेकेदार कितने समय से ठेकेदार, वो नया ठेकेदार का टेंडर अभी हुआ है, अभी 10-15 दिन से काम करने लग गया है, लेकिन बाकी जो दूसरे ठेकेदार हैं वो मात्र 8,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं बागवानी के जो कर्मचारी काम कर रही है महिलाएं। 8,000 रुपए बताओ आज के समय में इतनी महंगाई में 8,000 रुपए में कोई गुजारा होता है क्या? और इतने काम करते हैं, बड़े बड़े घास में सांप बिच्छू पता नहीं क्या क्या निकल जाए, दांतियों से वो घास काटना पड़ता है, फिर पूरे पार्कों में ग्रीन बेल्टों में पत्ते साफ करने पड़ते हैं, इतना काम करने के बावजूद भी मारे 8,000 रुपए सिर्फ वेतन दिया जा रहा है इनको। बच्चों को पढ़ाना भी है, घर का गुजारा भी चलाना होता है, तो इतने में तो गुजारा नहीं हो पाता। नहीं, 8,000 रुपए में कहाँ गुजारा है, और सर वो हरा भरा रखने में सही होगा। 8,000 रुपए में तो कोई किसी प्रकार का कुछ भी होता है इसमें तो इस पीज करके हमारी मांग है कि इनका न्यूनतम वेतनमान कम से कम 15,000 रुपए तो बागवानी संभाल करना चाहिए, तो कम से कम न्यूनतम वेतनमान इनका बढ़ाया जाए, इनकी टाइम से सैलरी मिले, और ये जो कच्चे कर्मचारी हैं इनका जो EPF ESI भी नहीं करता, जो बागवानी में काम कर रहे हैं इनका EPF ESI काटा जाए, और ठेकेदार द्वारा नजायज तंग ना किया जाए, समय पे इनका वेतन दिया जाए। जी सर, क्या कहना चाहोगे, पूरा साल प्रदर्शन पर रहते हैं, ये क्या कह दी मजबूरी है, ठेकेदार इतना परेशान करता है, ना सैलरी देते, जैसे भाई साहब ने बताई बागवानी का नया ठेकेदार आया सोलो अटल पार्क में, 52 एकड़ अटल पार्क है, 14 बंदे कर्मचारी काम कर रहे जिसमें उनको है, किस वरायटी का प्लांट कहाँ लगा हुआ है, सड़क का कहाँ लगा हुआ है, ट्रिया कहाँ लगा हुआ है, 10-10, 12-12 साल से कर्मचारी साथी और बहने काम कर रही थी वहाँ,
उन्होंने आज जिस पेड़ को लगाया 10-12 साल के बाद वो पेड़ कितना बड़ा हो गया, उन्होंने पता इस पेड़ की सेवा कैसे की है, पेड़ कैसे तैयार किया है और शायद को हरा भरा कैसे किया। एक सेक्टर 6-7-8 में सतपुड़ा ठेकेदार है जिन्होंने सैलरी अब तक नहीं दिशा भी चलेगा और दिवाली भी जाने वाली है। तो हर फीके मन रहे, फीके मन रहे जी, 8,000 सैलरी देते हैं तब भी फीके मन रहे। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना भी है, दूध वाले का बिल भी है जी, बिजली का बिल भी है, बिजली का बिल हो जाता है 5 से कट हो जाता है, अगर बंद होता क्या करे कर्मचारी, बड़ी मुसीबत में समय काट रहे हैं, उसके बावजूद भी जो सैलरी कम है वो भी समय पे दी जा रही है। प्रदर्शन करने पर भी मजबूर है, प्रदर्शन करने मजबूर है, प्रदर्शन करने के बावजूद भी सैलरी नहीं देते। हम तो कहते सौरभ ठेकेदार से भाई उसको एक जितने माए तो कर्मचारी साथ पुरानी साथी है कर्मचारी है बहने भाई उनको लगाए, तो कमी किसकी मानते हो आप? ठेकेदारों की अधिकारी होगी, ठेकेदारों की अधिकारी होगी, अधिकारी क्या बोलते हैं, अधिकारी से मिले थे बड़ा कराएंगे, लेकिन करा वो गुस्से में आया, सोया था उसको नोटिस दिया था जी, आज तक कोई उसका जवाब नहीं आया, आश्वासन नहीं मिला। हर बार सैलरी लेने के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है जी, मजबूरी है, क्या करे, मजबूरी में करते हैं जी। सर क्या कहोगे, लगातार देखा जा रहा प्रदर्शन जारी रहता है इन कर्मचारियों का? देखिए हमें कोई शौक नहीं है प्रदर्शन करने का, हम तो हम नहीं चाहते भी ये जो दिखते हैं ये शहर के अंदर आए सफाई की वजह से, ये वो सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने माननीय मोदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर ने इनको एक सफाई का देवता माना है, इनके पैर पूजे गए थे, इनको मालाएं पहनाई गई थी, मगर मालाएं पहनाने से पेट नहीं भरता मोदी जी, इनका बच्चे इनके बच्चे इनके भी बच्चे प्राइवेट पढ़ते हैं, इनको भी यूनिफॉर्म चाहिए बच्चों को, उनको समय पर जूता चाहिए, उनकी फीसें चाहिए, होता क्या है ये सारी धी बेटियाँ मेरी इनको कई प्रकार के शोषण होते हैं ठेकेदार के माध्यम से। अरे हम ये कहना चाहते हैं माननीय प्रशासन जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, पर इनको उसकी बजाय ठेके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो ये ठेका है इनसे ठेका प्रथा से मुक्त करके मेरी धी बेटियों को इनसे मुक्त करा के, जो अलग अलग प्रकार से शोषण होते हैं जैसे बैठ गए उनकी वीडियो खींचनी, वो जो चाय पी रहे हैं जो हमारे साथी चाय पीते हैं उनकी वीडियो भेजकर अधिकारी को दिखाना, ये इस टाइप के शोषण होते हैं, जो 8,000 सैलरी है उसमें से भी 4,000 रख लेने, इस प्रकार के शोषण है, इनको बंद करा जाए और एक अच्छी पॉलिसी बना के और इनको नियमित रूप से पक्का किया जाए। एक तरफ तो सरकार हजारों करोड़ों रुपया खर्च करती है लेकिन इन कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है। देखिए इनके मैनिफेस्टो में है सरकार के, भाई बेटी पढ़ाओ बेटी जगाओ, ये भी तो बेटियां हैं, ये भारत की बेटी नहीं क्या, इनको बेटी नहीं मानते क्या, ये भी तो बेटियां हैं, हम क्या मांगते हैं, हम तो अपना राइट मांग रहे हैं, हम तो राइट है 18,000 नूतन वेतन भी मांग रहे हैं, हम क्या मांग रहे जी, उससे कोई बहस नहीं मांग रहे, हम हमको दाय नहीं मांग रहे, उससे कुछ उपलब्धि नहीं मांग रहे, लेकिन इनको जो उपकरण है जैसे बागवानी में लेडीज काम कर रही है उनके साथ ही परिवार ज्वाइंट है, इन्होंने अपने कोरोना काल में अपने बच्चों को दरकिनार करते हुए अपने दायित्व से अपने मुस्तैदी से काम किया, आज उनको क्या मिल रहा है, उनको ठेकेदार के माध्यम से दिया गया। अरे हम तो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भाई इनको पक्का किया जाए, इसको डिस्ट्रीब्यूटर को निकाल दिया जाए और ऐसे दबंग यहाँ पे जो ठेकेदार है वो माननीय नगर पालिका में ब्लैक लिस्ट है, ये इतिहास है देख ले सकते हैं, मगर यहाँ क्यों नहीं भाई, यहाँ तो यहाँ के जो अधिकारी हैं ये से मिले हुए हैं। अच्छा नगर निगम में वो ब्लैक लिस्ट है और यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहा है जी, ये किसी को नहीं पता लग रहा माना है क्या जी, और वही इनको प्रताड़ित कर रहा है, मेरे समाज को बड़ी दुखी से प्रताड़ित करता है, हम ये हमारी मांग है ऐसे दबंग इसको ब्लैक लिस्ट भी किया जाए और इनका जो राइट है इनको राइट किया जाए, उपकरण जैसे बागवानी में काम करते हैं आज मच्छर हैं, मच्छर को देखते हो ना, ना इनको कोई दवाई का मुहैया है, ना इनको मेडिकल मुहैया है, ना इनको उपकरण है, ना पिस्ताने हैं, जैसे नगर निगम के अंदर वो भी मरे कुत्ता उठाते हैं, ये भी मरे कुत्ता उठाते हैं, वो भी मरे गधा उठाते हैं, ये भी मरे गधा उठाते हैं, इनको अलग से क्यों रखा गया, इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों है, हम ये कहते हैं इनके साथ भी वही पॉलिसी लागू होनी चाहिए, ये भी सफाई कर्मचारी हैं, महकमा बदल गया मगर काम वही है, जैसे काम रोज का सुचारू रूप से है, काम पक्का है तो मेरा कर्मचारी भी पक्का होना चाहिए, ये हमारी मांग। तो वही देख सकते हैं ये वो कर्मचारी है जो दिन रात कहीं ना कहीं करनाल को साफ सुथरा रखते हैं लेकिन कोई भी सुविधा जो है इनको नहीं दी जाती। और एक बात और सामने आ रही है
कि नगर निगम में जिस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाता है हुड्डा डिपार्टमेंट के अंदर, वो काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का भी वो काम कर रहे हैं। अपनी सैलरी लेने के लिए इन कर्मचारियों को हर बार जो है इसी प्रकार से प्रदर्शन करना पड़ता है, इसी प्रकार से धरना देना पड़ता है। आक्रोश है, गुस्सा है, क्योंकि पूरा साल जो है इसी प्रकार से नारेबाजी करने पड़ती है, इसी प्रकार से धरने पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि देखा जाता है कि बच्चों की फीस भी देनी होती है, परिवार का गुजारा भी चलाना होता है और 8,000 रुपए सैलरी जो है कहीं ना कहीं दी जाती है, लेकिन क्योंकि कुछ सैलरी जो है वो काट ली जाती है। ये देख सकते हैं तमाम महिलाएं, तमाम कर्मचारी जो है इस समय HSVP के बाहर जो है धरना दे रहे हैं, नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो को शेयर करते रहे।